शो अगेन. इससे पहले मैं जवाब दूं, हर ब्रेक पे जाने से पहले एक ईमेल आता है. अगर किसी वजह से मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सकता तो उस ईमेल के ऊपर अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज दीजिए. आई विल गेट बैक टू यू सून एज पॉसिबल. एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू इमिग्रेशन इंक्वायरीज. अगर आपका कोई लिटिगेशन का, कोई मनी क्लेम, बिजनेस डिस्प्यूट का भी इशू है तो आप उसी ईमेल के ऊपर अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज सकते हैं. अब आ जाएं जो ब्रेक पे जाने से पहले सवाल था. उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने 7 ईयर पे अप्लाई किया, कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया, अब हम लोग वेट कर रहे हैं. लेकिन इस सारे टाइम के दौरान मेरे बच्चे को 10 ईयर्स हो गए और उनका ब्रिटिश पासपोर्ट भी आ गया है. और अब हमारे पास चॉइस है कि आया हम नई एप्लीकेशन डालें या रिकंसिडरेशन होम ऑफिस को चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस करके भेज दें. तो देखिए जी, पहली बात है कि जो ये आप चेंज ऑफ सर्कमस्टांस की रिक्वेस्ट करते हैं होम ऑफिस से या रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी आप इसको नाम दे दें, इसकी कोई फीस नहीं होती. एंड द होम ऑफिस इज़ नॉट ऑब्लाइज कि वो उसको कंसिडर करें, बिकॉज दे कैन ईजिली राइट बैक टू यू एंड से मेहरबानी करके आप एप्लीकेशन डालें. तो होम ऑफिस इज़ नॉट ऑब्लाइज टू कंसिडर दैट. लेकिन कभी कभी मैंने देखने में आया कि बड़े अच्छे केस वर्कर होते हैं, वो कंसिडर करते हैं. तो आई थिंक बिकॉज मुझे नहीं पता आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं, बिकॉज हर एप्लीकेशन का मतलब है £1500. तो मे बी इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आप पहले चेंज ऑफ सर्कमस्टांस या रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट कर दें, MP के पास जाएँ, थोड़ा प्रेशर डालें, शायद कोई केस वर्कर आपको जवाब दे दे. क्योंकि उसका फिर फ़ायदा ये होगा कि £1500 पर पर्सन एप्लीकेशन फ़ी आपकी बच जाएगी. और आई थिंक जो आपके लॉयर हैं वो ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग £1500 पर एप्लीकेशन, एक ट्राई मार के देख लेते हैं, अगर वो मान गए ठीक है, वरना हम £1500 भर के एप्लीकेशन जमा करा देंगे पर पर्सन. तो अगर आपके आप और अज्यूम करता हूँ छोटी फैमिली है कि आप दो और आपका चाइल्ड जो ब्रिटिश हो गया, तो फिर भी £3000 यू लुकिंग एट आप और आपकी वाइफ की एप्लीकेशन के. सो आई वुड से इट्स वर्थ अ चांस. लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत मैंने टाइम गुजार लिया है इसी तरह से एंड आई वांट टू गेट ओवर विद दिस, तो फिर तो बेहतर ये कि आप £1500 पर हेड के हिसाब से एप्लीकेशन जमा कराएं. जहाँ तक अपील की बात है, अगेन आप एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको बताना पड़ता है होम ऑफिस को कि क्यों आपका क्लेम ह्यूमन राइट के अंदर बड़ा वाइबल है, बड़ा आर्ग्यूबल है, मेरिटेबल है, एंड क्यों आप कंट्री छोड़ के जाके अपील नहीं कर सकते. लेकिन जो आपने मुझे सर्कमस्टेंस बताए हैं कि आपका ब्रिटिश बच्चा हो गया, देयर इज़ अ गुड चांस कि होम ऑफिस अगर आपको रिफ्यूज़ करता है तो आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील देगा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं 100% देगा. आपको अपने केस के अंदर दलाइल यानी कि आर्ग्यूमेंट पेश करने होते हैं कि इस वजह से वी आर सीकिंग एन इन कंट्री राइट ऑफ अपील अगर आप हमारी एप्लीकेशन को रिफ्यूज करते हैं. तो विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से. ये तारिक भाई, मैंने आपसे पूछा था, मुझे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का वीजा मिला 5 साल का, तो अगर मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ तो कोई देखें, जो आजकल देखने में आया है कि ज़्यादातर जो फैमिली रेगुलेशन के अंदर वीज़ा लेके वापस आ रहे हैं, जाते हुए नहीं एंटर हो रहे हैं कंट्री में, जो एक्सटेंडेड हैं या डायरेक्ट फैमिली मेम्बर, दोनों से, नॉट ऑल लेकिन मेजॉरिटी से पूछा जाता है कि आपके फैमिली मेम्बर किधर हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो अभी भी इस UK के अंदर हैं एंड दे आर एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स. बिकॉज वन ऑफ द कंडीशन आपके वीज़े की है और उसी तक वैलिड है जब तक जो आपका स्पॉन्सर है द EA नेशनल, जिसकी बेसिस पे आपको वीज़ा मिला है, दे आर लिविंग इन द UK एंड एक्सरसाइजिंग द ट्रीटी राइट्स. तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे पूछें कि जी जो आपका स्पॉन्सर है वो इस वक्त किधर है. और देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि अगर आपका स्पॉन्सर आपको एयरपोर्ट से पिक करने नहीं आया है तो वो टेलीफोन नंबर मांग के बोलें कि वी वुड लाइक टू स्पीक टू देम एंड दे विल वांट टू वेरीफाई कि वो काम कर रहे हैं, किधर रह रहे हैं, टू एस्टैब्लिश कि यू आर स्टिल विद इन द रेगुलेशंस. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर, मुझे 2013 में इंडेफिनेट मिला था Tier 1 5 ईयर की बेसिस पे. मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया नेशनलाइजेशन के लिए, लेकिन उन लोगों ने मेरे नेशनलाइजेशन, मेरी और मेरी वाइफ की जॉइंट एप्लीकेशन थी, वो रिफ्यूज कर दी ऑन द बेसिस ऑफ गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, कहा कि मैंने डिसेप्शन के थ्रू इंडेफिनेट लिया. उन्होंने किसी कंपनी का रेफरेंस दिया कि मैंने उस कंपनी की पे स्लिप्स लगाई हैं और वो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी. वो मैं डिस्प्यूट करूंगा क्योंकि मैंने उस कंपनी के क्लेम नहीं किया. माय क्वेश्चन टू यू इज कि मेरे इंडेफिनिट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है और आया मैं ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं,
या मुझे कॉशन के साथ ट्रैवल करना चाहिए, या मेरा इनडेफिनेट रिवोक हो गया है, आई मीन उसका क्या स्टेटस है? ओके, देखिए जहाँ तक बात है इनडेफिनेट की, अगर उन्होंने आपको रिवोकेशन इनडेफिनेट की नहीं की है तो इट्स सेफ। उन्होंने सिर्फ आपको ये बोला है कि आपने क्योंकि गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट में फलां वक्त पे डिसेप्शन की थी, तो 10 ईयर के दौरान वो पीरियड आता होगा तो हम आपको नेचुरलाइजेशन नहीं देंगे। बिकॉज याद रखें कि उन्होंने असेसमेंट आपकी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की है, सेटलमेंट आपको ऑलरेडी मिल गई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बड़े ही कंपेलिंग रीज़न बताने होते हैं अगर वो आपकी सेटलमेंट वापस लेना चाहें, जो कि आपके केस में, अगर मैं आपको डराना ही चाह रहा, बट इफ़ दे वांट टू टेक वन स्टेप एक्स्ट्रा, तो वो अलग से आपको एक एप्लीकेशन नोटिफिकेशन भेजेंगे कि हम आपका इंडेफिनिट भी कैंसिल कर रहे हैं। अब मैंने आपकी इंग्लिश नहीं पढ़ी, जो डिसीजन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपने पढ़ी है, तो उसमें आप अच्छी तरह पढ़ें कि उन्होंने आपको ये बोला है या नहीं बोला कि मेरा इनडेफिनिट स्टेटस के साथ क्या है। और अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही पढ़ने के बाद, तो किसी से जाके मशवरा ले लें, वो डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको बता देगा, या आप 10 पाउंड या आई थिंक 15 पाउंड ऑफ फीस होगी, प्लीज़ मुझे कोट ना करें, आई थिंक 10 ही है, अपनी SAR सर्च मंगवा लें, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। उसमें जो इंटरनल नोट्स होते हैं ना केस वर्कर के, जो आपके डिसीजन के अंदर नहीं है वो लिखे होंगे, वो 40 डेज़ में आ जाती है। आई थिंक अगर आप इसको अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी रिव्यू के थ्रू, तो वो अपनी SAR सर्च लाजमी मंगवाएं, बिकॉज उसमें इंटरनल रिमार्क्स होंगे होम ऑफिस के ऑफिसर के, जो आपको नहीं पता, जिसकी बेसिस पे उन्होंने एक कंपनी का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, उनके जो आपस में इंटरनल रिमार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अपने रिव्यू में और केस को फाइट करने में। और मेरे ख्याल से वो SAR पढ़ने के बाद ही आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्लियर तो हो जाएगा, वो डिसीजन आप किसी को पढ़ा दें वो बता देगा कि आपकी सेटलमेंट सेफ है या नहीं, और आप बेशक फिर ट्रैवल करें। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं यार इसमें सेटलमेंट में भी कोई प्रॉब्लम है, तो फिर बेहतर है कि पहले उसको फाइट करें। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, वो बड़ा क्लियरली उसमें लिखा होता है कि हम आपका इनडेफिनिट भी रिवोक कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी लेटर में, तो इसका मतलब इन्होंने अपना जो फोकस है वो सिर्फ उधर तक रखा है नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए। लेकिन अगर आप उसको चैलेंज करें, तो प्लीज़ सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट उसके बारे में सीरियसली कंसिडर करें और उसको हासिल करें होम ऑफिस से। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, रिजवान बात कर रहा हूँ, हैरो से। जी रिजवान जी, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, और मैंने अपनी वाइफ को स्पोर्ट वीजे पे यहाँ पे बुलवाया था, और हाल ही में उनकी एक्सटेंशन हुई है, और 2.5 साल के बाद हमने अप्लाई करना है आगे के लिए। तो मेरा सवाल यह है कि क्या मेरे दो बच्चे हैं और तीसरा बच्चा ड्यू भी है, तो क्या हम कौन सा टैक्स के लिए या चार टैक्स कार्ड है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो आगे जाके एक्सटेंशन पे इसका भी फ़र्क पड़ेगा? ऑलराइट, बड़ी मेहरबानी है आपके कॉल की मेरे भाई, और ये गौर से रिजवान सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वाइफ को जब वीज़ा मिला है तो उसमें कंडीशन थी नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड। अगर आप पब्लिक फ़ंड लेते हैं तो जाहिरी बात है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, बिकॉज सर्टन पब्लिक फ़ंड में उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसकी बेसिस पर पब्लिक फ़ंड मिलते हैं। अभी तक जो होम ऑफिस की पॉलिसी आ रही है उसमें ये देखने में आया कि सेटलमेंट तक तो दे देते हैं, लेकिन आपके केस में एक इशू है वो मैं बाद में बताता हूँ। सेटलमेंट तक तो दे देते हैं, लेकिन जब नेशनलाइजेशन की बारी आती है और किसी ने पीछे बेनिफिट लिया हो, तो कहते हैं नहीं जी हम 10 साल तक नेशनलाइजेशन ही देंगे, बिकॉज आपने बेनिफिट लिया था जब तक वो पीरियड लैप्स नहीं हो जाता, लेकिन सेटलमेंट दे रहे हैं। लेकिन आपके केस में एक छोटा सा इशू आ जाएगा कि जब आपकी वाइफ को 5 साल इस कंट्री में पूरे हो जाएंगे, तो फिर भी सेटलमेंट के वक्त आपने अपेंडिक्स FM रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि आप अर्न करते हैं 18,600। अगर आप ये सारे बेनिफिट ले रहे हैं तो देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी यू आर नॉट अर्निंग 18,600, तभी आपको ये गवर्नमेंट इतने बेनिफिट दे रही है। तो वो फिर कहेंगे कि आप सेटलमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आप क्वालिफाई नहीं करते फाइनेंशियल FM रिक्वायरमेंट। वो फिर शायद आपको 10 ईयर रूट पर डाल दें, तो फिर आपकी वाइफ की सेटलमेंट रादर देन 5 ईयर्स 10 ईयर के रूट पर चली जाएगी। एंड जब वो नेचुरलाइजेशन अप्लाई करेंगे, वो जितना पीरियड है जब उनको नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड था, उन्होंने पब्लिक फंड लिए, तो कहेंगे कि हम आपको नेचुरलाइजेशन यानी कि ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं देंगे बिकॉज ऑफ दैट, जब तक 10 ईयर लैप्स नहीं हो जाते। अभी तक देखने में आया है कि जिन्होंने बेनिफिट्स क्लेम किए हैं ड्यूरिंग द वीज़ा, सेटलमेंट उनको दे रहे हैं। कल बिल्कुल वो मुड़ के ये भी कह सकते हैं कि हम सेटलमेंट भी नहीं देते, आप बस फैमिली लाइफ पर ही चलते रहें।
तो कहने का मतलब है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर उनका मूड चेंज हो, लेकिन इस वक्त ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो पॉलिसी देखने में आई है वो ये है, बट दीज आर द थिंग्स जो हो सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, और अगेन प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इसको पत्थर पर लकीर ना समझ लेना। यू नीड टू गो टू समबडी, आराम से तहमल से बैठ के उनसे बात करके देख लें पॉसिबिलिटी क्या है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि येस, सेटलमेंट पर भी फ़र्क नहीं पड़ा, बट नेशनलाइजेशन पे पड़ा। लेकिन आपके केस में शायद सेटलमेंट में भी प्रॉब्लम करें, बिकॉज यू माइट नॉट बी अर्निंग 18,600, या क्या पता अभी बेनिफिट लें और आखिरी साल जब उनकी सेटलमेंट ड्यू हो आप बेनिफिट आपके वैसे ही ठीक हो जाएं, बिकॉज आप अर्न करना शुरू हो जाएं, बिकॉज टेक्निकली तो वो आखिरी साल का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देखते हैं। बट येस, दिस विल हैव मे हैव एन इम्पैक्ट इन द फ्यूचर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच रिजवान, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी आपको जल्द में शॉर्ट यानी कि मैं हिस्ट्री बताऊंगा। मैं 2011 में स्टूडेंट वीजे पे आया था और 2014 में मेरी ब्रिटिश नेशनल से शादी हुई थी और रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी। तो मैंने केस अप्लाई किया था स्पाउस वीजे का, मेरा यानी कि स्टूडेंट वीजा पेंडिंग में था, लेकिन इसी दौरान मैंने स्पाउस वीजे का अप्लाई किया था, लेकिन होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया था। तो क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप वापस जाके वहाँ से अप्लाई करें। तो फिर उसके बाद यानी कि मेरे सोलिसिटर ने FL और FP डाल दिया था, तो उसकी यानी कि अभी तक कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो अभी तक यानी कि मुझे 3 साल हो गए, तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ। ऑफिस ने यानी कि कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया। इससे पहले आप जाओ अली, मुझे बता दो आपका कोई बेटा बेटी या मेरे को बच्चा है आपकी रिलेशनशिप से? नहीं, 4 साल से तक इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। नहीं ठीक है, दैट्स फाइन। तो और कोई सवाल आपका इसके अलावा? नहीं अभी तक यही है। ओके, थैंक यू सो मच अली। देखें मैं ये तो नहीं बता सकता कि किस वजह से उन्होंने आपका स्टूडेंट से जब आपने स्विच करने की कोशिश की स्पाउस पर रिफ्यूज़ किया, कुछ मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन FP का मतलब यही है कि आप फैमिली प्रोविजन और फैमिली इन प्राइवेट लाइफ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो उसमें एक बात का ख्याल रखें कि इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते, तभी आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई नहीं करें, आप फैमिली इन प्राइवेट लाइफ वाला वीज़ा अप्लाई करें 10 ईयर रूट के ऊपर। उसमें जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपका बच्चा नहीं है तो आपने ये प्रूव करना है कि दे आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, जिसकी वजह से आपकी वाइफ पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप इंडिया से भी हो सकते हैं, आपकी होम कंट्री जाके नहीं रह सकती। वो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल क्या है? होम ऑफिस की पब्लिश गाइडलाइन में बड़ा क्लियर उसकी हेडिंग्स हैं। अगर उनमें से एक चीज़ आपकी वाइफ के ऊपर बैठती है तो बिल्कुल देर इज़ एन आर्ग्यूबल केस। लेकिन अगर उनमें से कोई चीज़ आपके केस के ऊपर नहीं बैठती तो कोई, ये नहीं कहता कोई चांस नहीं, बट इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू विन योर केस। और प्लीज़ मैं एक बात हर एक को बोलता हूँ, इससे पहले मैं अगली कॉल लूँ, होम ऑफिस डिसीजन कहीं कुरानदाजी से नहीं करता, मीनिंग वो ऐसे नहीं देखता उधर देखे और डिसीजन दे दे। गाइडलाइंस हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, वो उनको फॉलो करके डिसीजन देते हैं। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं, आप अपने लॉयर के पास जाके पूछें कि मुझे बताएं, छोड़ दें मेरे केस को, मुझे बताएं पॉलिसी क्या कहती है इस तरह के केस के ऊपर, क्या मेरा केस उस पॉलिसी के ऊपर बैठता है या नहीं। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके केस में मेरिट है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। मुझे बताया जा रहा है कि क्लोजिंग का टाइम हुआ है। आई डू अपोलोजाइज अगर मैं कोई और कॉल्स नहीं ले सकता, बिकॉज ब्रेक पे जाने से पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी और अभी दोबारा करता हूँ कि इसी वजह से ईमेल आता है कि अगर किसी वजह से मैं आपकी कॉल नहीं ले सकता तो आप इस ईमेल के ऊपर अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज दीजिए। आई विल गेट बैक टू यू सून एज पॉसिबल। इस ईमेल को आप सिर्फ इमिग्रेशन के लिए यूज़ नहीं करें। अगर आपका कोई लिटिगेशन, फैमिली डिस्प्यूट, बिजनेस डिस्प्यूट और आपका कोई मनी क्लेम का इशू है तो आप इसी ईमेल पे अपना नाम और टेलीफोन नंबर भेज सकते हैं। अगेन शो पे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज़ ड्राइव सेफली, अपना ख्याल रखें और आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। अल्लाह हाफिज़।